अहमदाबाद में कोरोना के कारण बीते साल रथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, जबकि इस साल रथ यात्रा निकलेगी या नहीं इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को रथ यात्रा के दिन गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। वे प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की पहली मंगला आरती में परिवार के साथ शामिल होंगे। इस आरती में हिस्सा लेने के लिए वे 11 जुलाई की शाम को ही अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। बता दें कि इससे पहले 20 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद दौरे पर पधारे। उन्होंने अहमदाबाद में सरखेज गांधीनगर हाईवे पर लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च से तैयार हुए 3 ओवरब्रिज, वैष्णो देवी फ्लाईओवर ब्रिज, खोडियार कंटेनर यार्ड फ्लाईओवर ब्रिज और छत्राल पानसर रोड पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया था। बीते दिन ही गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा को लेकर कहा कि रथ यात्रा निकलनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। पुलिस अधिकारियों और ट्रस्टियों के बीच बैठक हो रही है। रथ यात्रा से पहले कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। संपूर्ण स्थिति को देखकर ही सरकार जल्द निर्णय लेगी।